अरे कोई मेरे से भी मेरा हाल पूछो, पूरी रात मैं हॉस्पिटल में था, इतना सा भी नहीं सोया मैं। देखो देखो कितने डार्क सर्कल हो गए मुझे। तू वहां पेशेंट का ख्याल रख रहा था, पेशेंट शायद मैं था। भाई पेशेंट तो सिर्फ आराम कर रहा होता है, अरे बैंड तो उसकी बजती है जो उसका ख्याल रखने गए होते हैं। भाई आपके साथ तो कुछ भी नहीं हुआ। कल मेरा जिम में आर्म डे था, वो मिस हुआ, दो डेट्स कैंसिल हुई मेरी। हे गॉड, इतने हैंडसम लड़के के साथ एक दिन में इतनी सारी ट्रेजेडीज। वाकई ओम, वाकई में सारी प्रॉब्लम तो इसके साथ है, मेरा क्या है, मैं तो उसे मरते मरते बचाऊं है ना। भैया आपका जूस। प्रिंकू रुक, इस जूस की ना मुझे ज्यादा जरूरत है। देख देख मेरी स्किन कितनी खराब हो गई है। नो! क्या हो गया? आज कोई कॉल नहीं। अरे बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग, मेटल्स का प्रोजेक्ट फाइनलाइज करना है, एक इंपॉर्टेंट कंसाइनमेंट आने वाली। शिवाय शिवाय, आज तू रेस्ट कर रहा है, दैट्स इट। ऑलराइट। ओम, बुआ लौट आई है ना? यू नो बेबी, मेरा रेकी ग्रुप तुम्हें पॉजिटिव वाइब्स भेज रहा था ताकि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। एंड यू नो व्हाट, मैं पूरी रात मेडिटेशन कर रही हूँ। देखो मेरे आईज के नीचे पर्पल मार्क्स हो गए हैं, देखो देखो। कम ऑन, पर अब हमें अपनी एंगेजमेंट की डेट पोस्टपोन करनी होगी, राइट? या मैं तुम्हारा फोन बोरो कर सकता हूँ? आई नीड टू मेक अ कॉल। फोन? नहीं नहीं नहीं, अरे मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल कंसाइनमेंट आने वाला है, आई नीड टू चेक ऑन इट। शिवाय रिलैक्स, मैंने ऑफिस में फोन कर दिया, तेरे सारे पैकेजेस यहां डिलीवर हो गए। एक कॉल करने दो। नो गाइस, मेरी बात पूरी नहीं हुई। पता है कल रात मैं इतनी टेंशन में थी कि मैंने एक पूरा टब चॉको चिप आइसक्रीम का खा लिया, एंड नाउ आई फील सो गिल्टी। अकेले अकेले सारा खा लिया, थोड़ा मेरे लिए छोड़ देती। शिवाय ना, 2 घंटे भी अपने काम और अपने फोन से दूर रहता है ना, तो पता है कैसे हो जाता है? जैसे जल बिन मछली, नृत्य बिन बिजली। दादी, व्हाट बिन मछली और कौन सी बिजली? तू नहीं समझेगा। दादी पर मैं एक बात बिल्कुल समझ गया, भैया जब से उस लड़की से मिले ना, उनके सारे स्क्रू ढीले हो गए हैं। अबे हो गए हैं? स्क्रू तो हमेशा से ही ढीले थे। पता कैसे कहा करता था, वो लड़की अब मेरी जिंदगी में कभी नहीं आएगी, क्योंकि मैं शिवान सिंह ओबराय हूँ और मैं जो कहता हूँ वही होता। अरे ओ, एक बार ऐसे करो ना, ये का स्टाइल ये। वैसे ये भाई नहीं होते तो उनका मजाक बनाने में मजा आता है ना। कालचन, तो बिल्लू के सामने उसका मजाक क्यों नहीं बनाता? डरता है उससे? दादी, ये देखो मेरा लेफ्ट डोला, ये देखो मेरा राइट डोला। आपको लगता है इन दोनों के साथ मैं भैया से डरूंगा? एक अंदर की बात बताऊं, भैया मुझसे डरते हैं। जब आप लोग नहीं होते ना तो मेरे पास आते हैं, प्लीज प्लीज रुद्रा अपने से मसल्स बनवा दे, और तब मैं उनको बोलता हूँ, सोच के बताऊंगा। रियली रियली दादी, भैया आई एम गलती, नहीं आई एम सॉरी दादी, और मुझसे बुलवा रहे थे पता नहीं क्या क्या। प्लीज दादी बचाओ ना। रिंकू जी। भैया मुझे उस लड़की का नंबर चाहिए। किसका? वही तेरी बदतमीज कैंटीन वाली दोस्त अनिका। हाँ जो भी, और मुझे तेरा फोन भी दे, बहुत जरूरी काम। अनिका का नंबर? ये तो इतनी जल्दी उठने नहीं वाली है, अब चिप ढूंढना होगा। हो सकता है चिप इसके बैग में हो। हेलो
बिना परमिशन के एक लड़की का बैग खोला, लेकिन मुझे वो चिप चाहिए। मैं जा रहा हूं भाई से बात करने। उसे ऑफिस जाने से रोका है और तू उसे तंग करना चाहता है। भाई ना मुझसे तंग नहीं होते, तू देखना हो भैया मुझे बेस्ट कार दिलाएंगे मेरे बोलने की देर। रुद्र, he is not well. बात समझने की कोशिश कर, दुनिया में हर चीज तेरे बारे में नहीं होती है। हर चीज मेरे बारे में होती है, बस आपको लगती नहीं क्योंकि आप मुझसे प्यार नहीं करते। यक, आपको कोई फिक्र नहीं है मेरी, आपको फिक्र है तो सिर्फ अपने बालों की। आपको बाल बढ़ाने का टाइम तो मिल गया, पर आज तक मेरी कोई विश पूरी करने का टाइम मिला? मेरे जो भी है मेरे शिवाय भैया ही है, उनके दरवाजे मेरे लिए हमेशा खुले रहते हैं। तेरा कौन लगता है बैग? दर्जी की दुकान है, सब्जी मंडी है, लेकिन शिप नहीं है इस बैग। कहां छुपाया होगा इसने चिप? तू कुछ बोल रहा था? तेरे भैया के दरवाजे हमेशा तेरे लिए खुले रहते हैं। चिपका छुपा के रखती होगी। भैया रुद्र, will you stop it? Wait on. भैया दरवाजा खोलो। नहीं अभी आना था। अब इसे कहाँ छुपाऊं? भैया दरवाजा बंद क्यों रखा था? ऐसे ही? मैं कुछ छुपा थोड़ी था। तो हमने कब कहा कि तू कुछ छुपा रहा है? हाँ तो क्यों कहोगे, जब मैं कुछ छुपा ही नहीं रहा तो why will you say? तुम लोगों को कुछ बात करनी है, कुछ कहना है मुझसे? भैया वो उसके बारे में बात करनी थी। मैं समझा सकता हूँ। I can explain this. शिवाय, कुछ समझाने की जरूरत नहीं। होते हैं, इस उम्र में ये सारे शौक होते हैं। In fact, I'm glad कि तुझे काम के अलावा और शौक है। शौक क्या, पैशन होना चाहिए। और भैया, ये वाला मॉडल ना आपके लिए एकदम परफेक्ट, एकदम मेड फॉर ईच अदर वाला। मॉडल? करेक्ट। रुद्र, ये तेरे लिए ज्यादा ही बढ़िया है। शिवाय, तेरे लिए परफेक्ट है। हे ओम, क्या बोल रहा है तू? तुझे TI की टेंशन हो रही है, मैं बात कर रहा हूँ। क्या बात करेगा? यही कि बॉयज की लाइफ में कभी कभी दो लव होते हैं, एक गर्लफ्रेंड और एक कार। हाँ? I know. दिया को फास्ट कार से डर लगता है। मैं बात करूंगा, I'll tell her to let you buy. तुम लोग इसकी बात कर रहे हो? हाँ, तो और किसकी बात करेंगे? Of course. और किसकी बात करोगे, right? भैया, आपको मुझे कार दिलानी ही पड़ेगी। चलो अंदर बैठ के डिस्कस करते हैं। नहीं 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 उसे मांगना नहीं, हासिल करना सीखना पड़े। और अगर मैंने तुझे ये गाड़ी आज दिला दी ना, तो तू कुछ खुद अचीव करना सीख नहीं पाए। ओके,
नहीं रुक। और अगर आज तू इस रूम में आ गया ना तो कभी अपने पैरों पे खड़ा होना सीख नहीं पाएगा। बड़ा भैया भैया कर रहा था, निकाल दिया ना रूम से। ये सब कुछ टिया की वजह से हुआ है। अब बीच में टिया कहां से आ गई? ओ आप भी ना, भैया मुझ पर चिल्लाए, मुझे दरवाजे से बाहर निकाल दिया। तो उनके रूम में कोई लड़की, पर टिया के अलावा उनके रूम में और कौन हो सकता है? मैं इवनिंग में शिवाय को कॉल करके बता दूंगी कि एंगेजमेंट की फ्रेश डेट क्या है। अरे फिर उसको बाय तो बोलती जाओ। ओ नो नो ग्रैंडमा, लेट हिम रेस्ट, मैं बाद में बात करूंगी। बाय। या यहाँ है? शिवाय के रूम में कौन है? शिवाय के कमरे में कौन है? पता नहीं दादी। सॉरी नहीं बोला तो आपने पुलिस मेरे पीछे भेज दी और फिर मेरे को इस डब्बे में बंद करवा दिया और आप किडनैप करवा के मुझे यहाँ ले आए। कैसे इंसान हो? सीने में कोई दिल नाम की चीज है भी कि नहीं? और तुम्हारे सर में दिमाग नाम की चीज है कि नहीं? तुम्हें नहीं लगता ये मैंने किया? आप ही कड़ी मारते हो ना। शिवाय सिंह ओबरॉय कुछ भी कर सकता है। क्या मारते? कड़ी मारते हो। किस किस्म की भाषा यूज करती हो? ये सब सुनकर मेरे कान में। वाह, ऊंचा खानदान और कच्चे खानदान। पर आपको पता नहीं है कि आप किस मुसीबत को किडनैप करके लाए। ऐसी कंजी आंखों वाले ना मुझे पता कितने चंट होते हैं। पकड़ लेता। फिर से कहना। पर मैं भी कम नहीं हूँ। अब मैं पुलिस को बुलाऊंगी, आपको जेल भेजवाऊंगी और आपसे चक्की पिसवाऊंगी। रुको, सबको बुला के रुको। रुद्र, शिवाय ने तुझे गाड़ी के लिए क्या मना कर दिया? तेरा तो चेहरा ही उतर गया। बात गाड़ी की नहीं है, भैया ने बोला मैं कुछ कर नहीं सकता। उन्होंने बोला कि मैं अपनी टांगों पे खड़ा नहीं हो सकता। ओ, आप ही बताओ, ये उनकी टांगे हैं क्या? अब देखना, मैं कुछ करके दिखाऊंगा। क्या करके दिखाएगा? मैं वो अभी मैंने सोचा नहीं है, बट हाँ कार मैं आज ही लूंगा। वेटर, चेक सर बिल। ओ वेट, सर बिल तो 1000 रुपए का है लेकिन ये तो 10,000 है। रख ले यार। थैंक यू सर। चले। ये पूरे 25 लाख हैं। ओ जी, आप ये क्या बोल रहे? हमारी गाड़ी मुश्किल से 6 महीने पुरानी है। पूरे 1 करोड़ में ये गाड़ी खरीदी है। अब्बू के ऑपरेशन के लिए पैसों की सख्त जरूरत है, इसलिए सिर्फ 40 लाख में बेच रहे और आप उसके लिए भी इनकार कर रहे हैं। देखिए मैडम, ये पूरे 25 लाख है, लेने हैं तो लो वरना डील कैंसिल। नहीं नहीं, आप डील कैंसिल मत कीजिए। फिर से एक बार गाड़ी की तरफ देख तो लीजिए, स्पोर्ट्स विंटेज कार है, एक बार देख तो लीजिए प्लीज। स्पोर्ट्स कार मांगी थी, ये तो स्पोर्ट्स एंड विंटेज दोनों है।
स्पोर्ट्स भी, विंटेज भी, टू इन वन ना। हाँ देखो मेरे को भी पसंद आएगी और शिवाई भैया को भी बहुत पसंद आएगी। प्लीज प्लीज एक मिनट, मैं एक मिनट में कार की डील करके आया। रुद्रम रुद्रम अब प्लीज, आई एम नॉट 25 लाख वाले अंकल एक मिनट, आई एम सॉरी बट हमने आपकी बातें सुनी अभी, आपको कार इन्हें बेचने की कोई जरूरत नहीं है, मैं उस कार के 40 लाख रुपए देने को तैयार हूँ। जी आप अब श्योर है? बिल्कुल रुद्र। एक मिनट, क्या एक करोड़ की गाड़ी वो 40 लाख में बेच रही है, कुछ गड़बड़ है। चेहरा देखो यार बेचारी का, कितनी मासूम है। बुरखे में क्या दिख रहा है तुझे, और जिसके पास 1 करोड़ की गाड़ी है उसके पास 40 लाख रुपए नहीं होंगे? ओ होता है, सबका बुरा वक्त आता है, मेरा भी आया था, मेरे ऐप दिखने बंद हो गए थे। ओ ये डील गलत है। आईज देखो आईज। इस पत्थर को मैं उतनी जोर से फेंकती जैसे मैंने उसे चिप फेंकी थी, फिर ये जाकर पत्थर वहीं गिरेगा। स्मार्ट कैसे तू अनिका? ये तो यहीं गिर गया। काम करती हूँ, रिवाइंड करती हूँ। नहीं, उस दिन मेरा मूड बहुत खराब था, वैसे ही गुस्से में फैली। क्या हो रहा है यार अनिका, तुझे ही ये रायता समेटना है। एक लास्ट ट्राई कर, लास्ट ट्राई हो जाएगा, चिंता मत कर।